देर रात सेकेंड हैंड स्कूल में भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। प्रेमनगर में सूद धर्मकांटे के पास सेकेंड हार्ट स्कूल की छत से चिंगारी बस पर जा गिरी। इससे बस में आग लग गई। देखते ही देखते बस से दूसरी बस में होती हुई बिल्डिंग तक जा पहुंची। इसके बाद बिल्डिंग का फर्नीचर धू धू कर जलने लगा। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कैंपस में फैली आग पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काम पाया है। फिलहाल तो आग लगने का कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रेमनगर धर्मकांटे के पास स्थित सेक्रेड हार्ट पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग में सोमवार रात करीब 8:30 बजे भीषण आग लग गई। आग में स्कूल के ऊपर की बिल्डिंग, 3 स्कूल बसें व एक स्कूल वैन भी चपेट में आ गई। अभी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने तुरंत पानी की बौछार शुरू कर दी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। सर, आग लगी है स्कूल में, किन कारणों से आग लगी, अब तक कितना नुकसान हुआ है? देखिए, जो है जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 बसें खड़ी हुई हैं और एक छोटा हाथी भी खड़ा हुआ है, तो आग संभवतः यहीं से शुरू हुई है। और जो सेकंड फ्लोर है इसका, वहाँ पर जो उसके 5-6 रूम जो है उस तक गई है आग, जो है यहीं से शुरू हुई है अभी जो लग रहा है। तो इसमें ये 2 बसें डैमेज हुआ है, 2 बसों को छोटा हाथी आग खड़ा उसमें डैमेज हुआ है। और 5-6 रूम ऊपर है जिसमें थोड़ा बहुत जो फर्नीचर वगैरह रहता है, इनका कंप्यूटर है और या कॉपी किताबें होंगी जो पढ़ने का सामग्री है, और इनका जो बोर्ड वगैरह होंगी उनका थोड़ा नुकसान हुआ है। अभी नुकसान का आकलन जो है हम कर रहे हैं, मतलब इनका दिन हो जाएगा। और रूट कॉज क्या रहा है कि मतलब यहाँ से बस से इतनी जल्दी आग क्यों भड़की, इसकी भी जांच कर रहे हैं। क्या आग बुझाने का स्कूल में संसाधन नहीं थे क्या? अभी देखते हैं, बताते हैं, क्योंकि अभी पता नहीं चल रहा है कि लाइट ऑलरेडी काटी हुई है यहाँ पर। अभी क्योंकि स्कूल इस टाइम जो है यहाँ पर कोई था नहीं गार्ड के अलावा, तो वही उससे पूछना चाह रहे हैं मतलब क्या हुआ, कैसे क्या कर रहा था। जिस टाइम पर आग लगी है उस टाइम पर समझता है इस स्कूल में कोई था नहीं, गार्ड ही रहा होगा यहाँ पर, किसी तरीके का नोटिस भी जारी किया जाएगा अगर आग बुझाने का। जो भी आगे कार्रवाई होगी, अभी पहले इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लें, जो आगे कार्रवाई होगी करेंगे। आग लगी थी और किस तरह काबू पाया गया? हमारी टीमें, हमारी फायर ब्रिगेड की टीमें आ करके तुरंत हम लोगों ने इस पर रेस्क्यू की कार्रवाई प्रारंभ कर दी और लगभग हम लोगों ने पूरे आग पर नियंत्रण कर लिया है। बाकी इसके कारणों की जांच बाद में की जाएगी। कितना नुकसान हुआ है सब? इसका आंकलन बाद में किया जाएगा, क्योंकि अभी सबसे पहले प्राथमिकता है कि हम लोग आग को बुझा दें, जब क्योंकि लगभग हम लोग बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं, लगभग बुझ सी गई है। थोड़ा जो आखिरी की कार्रवाई है उसमें हम लोग लगे हैं और उसको कर रहे हैं, और जल्दी जल्दी हम इसको करके बाद में इसका आंकलन किया जाएगा। कोई बिल्डिंग के अंदर फंसा हुआ? अभी ऐसी कोई सूचना हमारे पास है नहीं, हम लोग यहीं मौके पर हैं जब से यहाँ पर सूचना आई है। हमारी सारी टीमें लगे हैं, हमारे लगे हैं, जल्द ही जल्द हम लोग लगभग इसको पूर्ण कर चुके हैं। थैंक यू।